वेलकम टू खुशकिस्मत। आज हमारे साथ एक इतने स्पेशल गेस्ट हैं कि जिनकी पर्सनालिटी को देखकर और उनको सुनकर आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए। हम आगे देखेंगे आपका राशिफल भी और आप सब के लिए कुछ खास टिप्स हैं जो आपकी हेल्थ को और वेल्थ को संवारेंगी। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी होलिस्टिक हीलर, और आप देख रहे हैं खुशकिस्मत। या तो आप दिमाग में प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो और ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूं उसके बारे में सोचते रहो, या दिमाग में आप सॉल्यूशन के बारे में सोचो। प्रेगनेंसी भी काफ़ी कठिन हो रही है, डिलीवरी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, हर जगह प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हॉर्मोन्स ही प्रॉपर नहीं डेवलप हो रहे हैं। अब अच्छी नींद अगर आदमी लेता है ना तो शरीर के सारे हॉर्मोन्स बहुत अच्छी तरह सीक्रेट होते हैं। जब दर्द है, प्रॉब्लम है, तभी इंसान बदलने को तैयार होता है, कुछ सीखने को तैयार होता है, नहीं तो नहीं। अब वक्त है आपके राशिफल का। हम अलग स्टाइल से आज कर रहे हैं लेकिन आप इससे बदलेंगे आज का दिन अपने आप के लिए और ढूंढेंगे किस तरह से आप खुशी ला पाएंगे आज के दिन आपके लिए। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि के लिए ये कार्ड द हर्मिट ये कहता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की सोच रहे हैं तो ये बहुत सही समय है टू बी फोकस्ड। शाम को आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, फैमिली के साथ रियूनियन होगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो लाइफ की प्रॉब्लम्स उड़ गई। सो इट्स अ गुड डे फॉर यू ऑल। अब बारी है वृषभ राशि की। सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है ये कह रहा है कि आप सुबह थोड़े से सुस्ती में रहेंगे, आराम करेंगे और आज के दिन आप जो भी आइडियाज करेंगे उससे आगे आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शाम तक आपको जो चाहिए वो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन से अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि महिलाओं को ऐसा लगे कि हम अकेले हैं। लोनलीनेस फील मत करिए, अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखें और खुश रहिए। अब बारी है मिथुन राशि की यानी जेमिनी। आपका कार्ड आया है चिंता का। आप चिंतित हैं या आपको किसी के बारे में इतनी सारी चिंता है कि आप खुद दुखी हो गए हैं। दोपहर तक ये बात और भी बढ़ेगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको रोने जैसा फील होगा। ठीक है, जो भी फीलिंग्स है उसे आने दीजिए लेकिन शाम तक आपके फैमिली फ्रेंड्स या आपके खुद के फ्रेंड्स या आपके घर के भाई बहन आपका मूड चेंज कर देंगे एंड यू विल फील वेरी गुड एंड ब्लेस्ड। आज पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपको इन्फ्लुएंशियल लोग भी मिलेंगे लेकिन दोपहर को हो सकता है आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे जल्दबाजी में। ऐसा मत करिएगा क्योंकि शाम तक आपको मिलेंगे ऐसे कोई एडवाइजर जिससे आपकी लाइफ भी शानदार होगी और आपके डिसीजन भी सही होंगे। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आप विजनरी हैं, आपकी आइडियाज बहुत अच्छी है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें जितना भी फोकस लाते हैं आप सबके लिए सक्सेस ले आते हैं और अब बारी है आपकी भी। शाम तक आप बहुत खुश रहेंगे, आपका पारिवारिक लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपको मिलेगी आज अप्रिसिएशन। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। हमेशा आप चिंता करते हैं लेकिन आज है मैजिकल। सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आफ्टरनून में यू विल फील लव्ड, अप्रिशिएटेड, आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिलेगा, फेम भी मिल सकता है। शाम को आप थोड़ी अपनी सोच बदलेंगे, अपने आप में इतनी सारी बदलाव लाएंगे और अच्छी चीजें लाएंगे दैट यू विल हैव अ ब्यूटिफुल डे। अब बारी है तुला राशि की यानी लिब्रंस। आपका कार्ड है मैजिकल आज और स्टार कार्ड भी है जिसमें ये कह रहा है कि आप जो चाह रहे हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो आपके टफेस्ट डिसीशंस, आपका टफेस्ट काम पहले सुबह को ख़त्म कर लीजिए। शाम को आपके साथ मिस्टिकल चीज़ें हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, या हो सकता है आप कुछ हॉरर फिल्म देखें और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मंत्र जाप करें। मिस्टिकल डे होता है तब मंत्र जाप करने से एम्पावरमेंट मिलती है, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं।
अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपका कार्ड आया है कि आप सुबह के समय थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन दोपहर को आपको मिलेंगे इन्फ्लुएंशियल लोग और आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आपकी टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपका काम आगे बढ़ेगा। शाम के वक्त आपको अप्रिसिएशन और फेम मिलेगा आपके काम में, या जो भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं दे विल बी वेरी अप्रिशिएटिव एंड रिस्पेक्टफुल टू यू। अब बारी है धनु राशि की यानी सैजिटेरियस। आपको लगेगा कंफ्यूजन या हो सकती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से आप बहुत दुखी फील करेंगे, लेकिन दोपहर के वक्त आप कंफर्टेबल होंगे, आप शॉपिंग भी करेंगे, अपना माइंड भी चेंज हो जाएगा और आपको शायद कोई गिफ्ट भी मिलेगी। शाम तक यू विल बी हैप्पी, यू विल हैव सम गुड न्यूज। ओवरऑल इट्स अ गुड डे। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपका दिन बहुत सुस्ती में शुरू होगा, आप सोचेंगे ये करना है वो करना है, बहुत प्लानिंग करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा आज। और दोपहर को ऐसा होगा कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने डिस्कशंस और जो भी नोट बना रहे हैं, और शाम को मिलेगी आपको अप्रिसिएशन क्योंकि आप जो भी सोच रहे थे वो काम पूरा होगा आज। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपका कार्ड आया है द फूल, यानी आप सोच रहे हैं करूं या ना करूं। आपके आफ्टरनून का कार्ड आया है मैजिकल। आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, अपने आप पर भरोसा रखें और इंट्यूशन से जो सही है वही डिसीशन लीजिए। शाम तक अगेन मिस्टिकल है एक दिन जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई एनर्जीज हैं जिसको आपको टैप करनी है, तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बढ़ाइए, अपने विशेज और आपके जो भी थॉट्स हैं वो सही जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन याने पाइसीज। आपका कार्ड आया है चिंतित, याने आप सोचेंगे ऐसा करना है या नहीं करना है, थोड़ा आराम भी करना है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज आपको रखना है खास ख्याल। दोपहर को हो सकता है कि आपको और भी घबराहट हो, लेकिन शाम तक आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी और अगर आप लीगल या लॉफुली कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम आपके फेवर में जाएगा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हंसा जी जुड़ी हुई हैं। ये मेरी योगा गुरु भी हैं और आज हम इनसे बहुत कुछ सीख लेंगे जो आपको बहुत मदद करेगी। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार बेटा। आपको बहुत सालों से देख रहे हैं हम। एक चीज़ मुझे बहुत ताज्जुब लगती है कि आप यहाँ आए योगा सीखने, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हुई आपने इसे घर बना लिया और ये घर पूरे वर्ल्ड में अब फेमस हो गया और आपका परिवार इतना बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, मुझे लगा कि जब दर्द है, प्रॉब्लम है, तभी इंसान बदलने को तैयार होता है, कुछ सीखने को तैयार होता है, नहीं तो नहीं। हर इंसान पैदा हो जाता है लेकिन उसे अंदाज ही नहीं है कि पैदा होने के बाद उसे करना क्या है। जो माँ बाप करते हैं वो आप करते हो, भाई बहन करते हैं, फिर आगे जाके जो दोस्त करते हैं वो करते हैं। लेकिन योग बिल्कुल सीधी बात कहता है कि हर इंसान अलग है, ऑल ऑफ अस आर यूनिक। हम लोग इंडिविजुअल यूनिक पोटेंशियली डिवाइन पर्सनालिटी है। हर इंसान को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है। ये मेहनत कोई नहीं करता, दूसरों को देख कर जीते हैं और इसीलिए गलतियाँ होती हैं, रोग बढ़ते हैं, प्रॉब्लम बढ़ते हैं, मन के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, टेंशन एंग्जाइटी बढ़ती है, क्योंकि आप अलग हो। एक शेर है और एक खरगोश है, खरगोश शेर की तरह करने जाएगा तो क्या होगा उसका। योगा इंस्टीट्यूट में हमारा आपका लेक्चर सबसे फेवरेट रहता था। 1921 में योगेंद्र जी फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने अमेरिका में योगा इंट्रोड्यूस किया था जी। और उसके बाद अब आपकी इंस्टीट्यूट वर्ल्ड ओवर फेमस है, तो आपका एक्सपीरियंस है एज एन एडुकेटर, आप गुरु हैं, आप मेंटर हैं, आप हमारे फिलोसोफर और गाइड भी हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे यंग पेरेंट्स को जिनके बच्चे छोटे हैं या थोड़े से बड़े हो गए हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स अभी हैं, डिजिटल बच्चे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में। श्री योगेंद्र जी जब अमेरिका गए तो उस समय भी वहाँ पैंडेमिक चल रहा था, तो उन्हें पता नहीं था और उन्होंने देखा
कि किसी को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी कफ हो रहा है, नाक चौकड़प हो रहा है, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, आंखें बह रही हैं, सीधा उसको हॉस्पिटलाइज कर देते थे और बाकी सब घर में अलग। वो कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, ये व्यक्ति को तो अपने घर में ही रहना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, उसका इन्फेक्शन सबको लगेगा ही। उन्होंने कहा नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 30 स्टूडेंट्स जिन्होंने योग सीखा था थोड़ा बहुत, उनसे उनको लेके उस हॉस्पिटल में गए जहाँ वो सारे पेशेंट लोग रहते थे। उन्होंने कहा मैं वहाँ जाके रहता हूँ और देखो क्या होगा। एक महीना रहे वो उनके साथ, कुछ नहीं हुआ। सारे 30 लोग और योगेंद्र जी, किसी को कुछ इन्फेक्शन नहीं लगा। और उन्होंने बताया तो बोलते कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि जब आप योग करते हो तब आपकी इम्यूनिटी अपने आप हाई हो जाती है, आपकी श्वसन क्रिया क्लियर हो जाती है। साइनस को कैसे ठीक रखना, ये हाइजीन योग में आता ही है कि कैसे ठीक ठाक रखो अपने आप को, नाक कान गला, और ये सब ये कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। अभी भी जो पेंडेमिक है उसमें भी वो जो है वो सीधा चेस्ट पर एक्टिव करता है, तो कोल्ड कॉफ साइनसाइटिस एस्थमा उसको तो संभालना ही है। वो अगर हम करने लगे तो हमें होना नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। एटलीस्ट हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट रहे अब तक किसी को नहीं हुआ है, सिर्फ उनके पेरेंट्स को हुआ है, उनके बच्चों को हुआ है, वो सुनते नहीं है। और पेरेंट्स और परिवार के दूसरे लोगों को हुआ है, उनमें कोई लोग मरे हैं, आसन करने वाले लोग हैं, लेकिन ये हाइजीन संभालने वाले लोग अगर हो तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। तो आप जानते हो कि योग सिर्फ आसन तो है नहीं, दुनिया भर में योग इतना पॉपुलर हो रहा है आजकल, सब आसन करने लगे हैं, ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, पद्मासन कर रहे हैं, चक्रासन कर रहे हैं, क्या क्या आसने करते हैं। लेकिन ये तो एक छोटा सा भाग है योग का। शरीर को फ्लेक्सिबल रखना ही चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो और हमारा जो पेट है वो बिल्कुल अंदर हो और नर्म हो, सॉफ्ट हो। अभी इसके लिए जो ज़रूरी है वो थोड़ी सी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, जो करना चाहिए वो है हाइजीन, जो हम कहते हैं कि हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सब बहुत ज़रूरी है, जो योग में पहले भी हम कहते चले आ रहे हैं। 8 लिम्ब्स ऑफ योगा जो कहते हैं उसमें बहुत सारी प्रकृतियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं, तो वेलनेस, ब्यूटी, हेयर, वो सब के लिए, और अस कहते हैं ना एनर्जी लेवल आपकी अच्छी रहे, उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे क्विक टिप्स हैं जो? चलो ये तो एक पूरा टॉपिक ही है। ऐसा है कि सही स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या ज़रूरी है, मैंने देखा एक स्वस्थ व्यक्ति सुंदर ही होता है। अगर स्वस्थ न हो और खाली सुंदरता चाहिए तो फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर स्किन ड्राई हो रही है उसको ठीक करो, हेयर फॉल हो रहे हैं उसको ठीक करो, वो तो एक अलग विषय हो जाएगा। क्योंकि वहाँ भी मैं यही कहती हूँ कि अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जितनी भी वो कहते हैं ना विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सही प्रमाण में जाने चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स सही हो, आप आसन वगैरह सही कर रहे हो, मन की स्थिति को सही रख रहे हो तो ज़्यादा कहीं कुछ प्रॉब्लम आते नहीं है। अगर आए तो उसको हैंडल कर सकते हैं, योग में सब कुछ है। तो पहले तो ध्यान देना है खाने पे, क्योंकि आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कैसे खाते हो, कब खाते हो, ये सब बहुत मायने रखता है। पहला मील सनराइज के आसपास हो जाना चाहिए, यानी 8 के आसपास तो खाना ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए, और डिनर भी रात को 7 बजे तक हो जाना चाहिए। लेट खाना ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही नहीं। कभी कभी खाना पड़े ठीक है, आप पार्टी में गए खा लिया, कभी कभी शरीर सब मैनेज कर लेता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नींद, यू नो स्लीप कितनी ज़रूरी है। हर जीव जो पैदा होता है ना वो ये दो चीज़ तो उसको चाहिए ही, एक तो है भोजन आहार और दूसरा है निद्रा स्लीप। एक छोटा से कीड़े को भी नींद चाहिए, बड़े हाथी को भी चाहिए, आपको मेरे को सबको नींद चाहिए, दैट इज़ दी थिंग। और अगर हम नींद नहीं लेते तो क्या होता है, सबसे पहला तो शरीर का बैलेंस ही बिगड़ जाता है, क्योंकि हार्मोन ही नहीं हो रहे, तो ये जो सारे प्रॉब्लम आते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, जगह जगह से बाल उग रहे हैं, लड़कियां मुझे कहती पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही है, और क्या क्या होता है, पेन होता है पीरियड्स में, प्रेगनेंसी भी काफ़ी कठिन हो रही है, डिलीवरी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, हर जगह प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हार्मोन्स ही प्रॉपर नहीं डेवलप हो रहे हैं। अब अच्छी नींद अगर आदमी लेता है ना
तो शरीर के सारे हॉर्मोन्स बहुत अच्छी तरह सीक्रेट होते हैं। आपके सुझाव बहुत अच्छे थे, प्रैक्टिकल हैं, जो हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और ये भी पता चल गया कि कब क्या करना है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही आज जब मैं आपसे मिली कि गर्मी है तो गर्मी होएगी, उसके बारे में सोचो मत, और नहीं सोचोगे तो वो चीज़ चली जाती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। या तो आप दिमाग में प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो और ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूँ उसके बारे में सोचते रहो, या दिमाग में आप सॉल्यूशन के बारे में सोचो, चलो अभी गर्मी है ना, अब मैं क्या क्या करूँ। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपको मिले और आपकी बातें सुनकर। हम चाहते हैं कि लोग इस पर कुछ प्रयास करें या कम से कम अपनी लाइफ में कुछ सुधार लाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर। धन्यवाद। आज का हमारा संकल्प है डिसिप्लिन। जब आप सुबह उठेंगे तभी आप ये शब्द अपने आप को कहेंगे, किसी भी तरह से लाइफ में डिसिप्लिन लाइए ताकि आप सक्सेसफुल हों, अपनी हेल्थ में सक्सेस ला सकें, अपने स्टेट ऑफ माइंड में सक्सेस ला सकें और अपनी रिलेशनशिप लाइफ में भी सक्सेस ला सकें। ये था हमारा एक्सक्लूसिव शो डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र के साथ, और आपको मिली है प्रैक्टिकल ऐसे सारे सुझाव जो आप अपनी लाइफ में अब चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ, वेल्थ और मानसिक संतुलन भी बना रहे। ABP News आपको रखे आगे।